नमस्कार, मैं हूं गायत्री और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। दोस्तों, बांग्लादेश में प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट हो गया। बांग्लादेश विद्रोह की आग में झुलस रहा है। पड़ोसी देश में जल रही प्रदर्शन की आग की तपिश भारत तक भी पहुंचने लगी। सियासी गलियारों में बयानबाजी का दौर चल पड़ा है और कई नेता ऊल जलूल बयान दे रहे हैं। भारत में विद्रोह की चिंगारी सुलगाने की नसीहत दी जा रही है। इस नेताओं की लिस्ट में पहला नाम कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का है। एक किताब की लॉन्चिंग कार्यक्रम में बोलते हुए सलमान खुर्शीद ने कहा, बांग्लादेश में जो हो रहा है वो भारत में भी हो सकता है। हमारे देश में इसका प्रसार चीजों को तरीके से फैलने से रोकता है, जिस तरह से बांग्लादेश में फैलाया गया है। वहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा ने भी विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि श्रीलंका और बांग्लादेश जैसा हाल अब भारत में भी होने वाला है। बोलते बोलते कांग्रेस नेता यहां तक कह गए कि जिस तरह शेख हसीना के घर में जनता घुस गई, उसी तरह मोदी के आवास में भी घुसने वाली है। कांग्रेस नेता सज्जन सिंह का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मैं तो सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं, दो दिन से टीवी पे आप देख रहे हो, बांग्लादेश की जनता शेख हसीना की गलत नीतियों की वजह से, बांग्लादेश की सरकार की गलत नीतियों की वजह से कल प्रधानमंत्री आवास में घुस गई, राष्ट्रपति भवन में घुस गई। याद रखना नरेंद्र मोदी जी, एक दिन ये जनता जितने सड़क पे हिलोरे ले रही है, एक दिन तुम्हारी गलत नीतियों से तुम्हारे प्रधानमंत्री निवास में घुस जाएगी, कब्जा कर लेगी। अभी श्रीलंका में हुआ, पहले श्रीलंका में जनता प्रधानमंत्री के घर में घुसी, अब बांग्लादेश में घुसी, अब भारत का नंबर है। तो साथियों, मैं अनुरोध करता हूँ, दरअसल सरकार विरोधी हिंसक प्रदर्शनों की लहर से बांग्लादेश पूरी तरह से हिल गया है, जिसके बाद वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा और अपने देश से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसके बाद भारत में विपक्षी नेता इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। वहीं देश की जनता इन नेताओं के दिमागी मैच्योरिटी के लेवल पर सवाल उठा रही है। लोग कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में मिली हार को विपक्ष पचा नहीं पा रही है। पीएम मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर देखकर राहुल गांधी समेत कांग्रेस के नेताओं के सीने पर सांप लौट रहे हैं, कलेजे पर छुरियां चल रही है और सत्ता नहीं मिलने से विपक्षी नेताओं का मानसिक संतुलन हिल गया है। इसी बीच बांग्लादेश के हालात को देखकर भारत की जनता में भी दहशत है, जिसके बाद लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या भारत में भी कभी तख्ता पलट हो सकता है, क्या भारत की सेना भी कभी शासन कर सकती है। लेकिन इसका सीधा और सपाट जवाब है, बिल्कुल नहीं। असल में सेना को तख्ता पलट का तब मौका मिलता है जब देश में बहुत इंस्टेबिलिटी हो, पॉलिटिकल डिविजन चरम पर हो, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस कमजोर हो या भेदभाव और अव्यवस्था के हालात हो। लेकिन भारत में ऐसे हालात कभी पैदा नहीं हुए हैं। यहाँ तक कि इमरजेंसी के दौरान भी सेना राजनीति से अलग ही रही, क्योंकि जिन भी देशों में लोकतंत्र ज्यादा मजबूत रहता है, वहां पर सेना के पास अनलिमिटेड पावर्स नहीं रहती। उन देशों में सेना सरकार के मुताबिक ही काम करती है। अब तक भारत की सेना का जैसा इतिहास रहा है, भारत में डिसिप्लिन ही सबसे ऊपर है। इसकी वजह यह भी है कि भारत की सेना के जो नियम है वो पश्चिमी देशों से प्रभावित है और पश्चिमी लोकतांत्रिक देशों में तख्ता पलट की घटनाएं नहीं हुई। असल में अंग्रेजों ने भारत पर राज किया है, उनकी तमाम पॉलिसीज का भारत पर गहरा इफेक्ट पड़ा है। ऐसे में सेना भी इससे अलग नहीं रह पाई है। छोटी मोटी घटनाएं तो होती रही, लेकिन कभी लगा ही नहीं कि सेना के अंदर भी बगावत हो सकती है, क्योंकि एकजुटता का मंत्र ऐसा था कि इसने कभी भी भारतीय सेना को लक्ष्मण रेखा पार नहीं करने दी। वहीं बांग्लादेश से हिंसा और आगजनी की जो तस्वीरें आ रही है वो डर और खौफ पैदा कर रही है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जो बांग्लादेश लगातार आर्थिक प्रगति कर रहा था, पाकिस्तान ही नहीं इंडिया से भी बेहतर वहां की सरकार काम कर रही थी, वहां की जनता एकदम से बगावत पर क्यों उतर आई, और वहीं गुस्से से भरी बांग्लादेश की जनता ने ऐसा उपद्रव क्यों किया जिससे बांग्लादेश को उबरने में उसे लंबा वक्त लग सकता है। इसलिए ये भी कहा जा रहा है कि भोली भाली जनता कब किसके बहकावे में आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए बांग्लादेश में हुए बवाल और हिंसा से भारत को सबक जरूर लेना चाहिए। चलिए, इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही और खबरों के लिए देखते रहें श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।